बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 14 और उसका पार्ट नंबर 2 करेंगे। इसका पार्ट नंबर 1 मैंने अगली वीडियो में किया था, अगर आप चाहें तो वो देख सकते हैं मेरे चैनल से, इमरान आरबानी एकेडमी से। तो आइए इसमें क्वेश्चन में के 5 से लेकर हम 8 तक क्वेश्चन करेंगे। इसके पार्ट 5 नंबर पार्ट है कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, नंबर 6 है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, नंबर सी है यूनिवर्सल यूनियन एम्प्टी सेट, और नंबर 8 है यूनिवर्सल इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट। तो सबसे पहले नंबर 5 करते हैं। नंबर 5 में है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो अब ए के एलिमेंट्स क्या है, मैंने यहाँ पर लिखे हैं। ए के एलिमेंट्स है एफ ए सी ई, और उसके बाद इंटरसेक्शन की साइन दे देंगे जी। यहाँ पे हम पहले जो है बी कॉम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि बी कॉम्प्लीमेंट है तो हम सबसे पहले बी कॉम्प्लीमेंट करेंगे। अब यूनिवर्सल डिफरेंस बी करेंगे, कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है यूनिवर्सल डिफरेंस। अब यूनिवर्सल का सेट क्या है, ए बी सी डी ई एफ और जी, उसके बाद डिफरेंस की साइन दे देंगे और बी के एलिमेंट्स लिखेंगे। बी के एलिमेंट्स हैं ई और जी डी और एफ। तो अब इसका आंसर क्या होगा, अब यूनिवर्सल के ऐसे एलिमेंट्स जो के सेट बी में मौजूद नहीं है तो वो हम नहीं लिखेंगे। ये ई यहाँ पे मौजूद है तो ई नहीं लिखेंगे, एफ नहीं लिखेंगे, जी नहीं लिखेंगे और डी नहीं लिखेंगे। बाकी जो बचेगा हम यहाँ पे लिख देंगे ए बी और सी। और उसके बाद क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट करना है। अब ए के एलिमेंट्स क्या हैं, ए के एलिमेंट्स हैं एफ ए सी सी, यहाँ पे सी है और ये ई है, और उसके बाद इंटरसेक्शन की साइन और बी कॉम्प्लीमेंट के जो हैं वो हैं ए बी और सी। अब इंटरसेक्शन में क्या होता है कि जो दोनों सेट में एलिमेंट मौजूद होते हैं वो लिखते हैं हम। तो दोनों सेट में जो है कौन सा एलिमेंट मौजूद है, ए दूसरा सी मौजूद है, तो इसका आंसर जो आएगा ए और सी आएगा जी। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर करेंगे इसका 6। 6 में एक ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट करें। तो आइए करते हैं, पहले ए कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ये यूनिवर्सल डिफरेंस ए होगा। यूनिवर्सल के एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी ई एफ और जी, और ए के एलिमेंट्स जो हैं वो हैं एफ ए सी और ई। तो इनका डिफरेंस क्या होगा, अब ए यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे मौजूद है, एफ यहाँ है और यहाँ पे भी है, सी भी है और ई भी है, तो हम ई काट लेंगे। बाकी जो बचेगा वो क्या बचेगा, बी और डी, बी डी और जी बचेगा। तो ये आ गया ए कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद हमें करना है बी कॉम्प्लीमेंट। तो यूनिवर्सल डिफरेंस हम बी करेंगे, तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, हमने अगली वीडियो अगले क्वेश्चन में किया है बी कॉम्प्लीमेंट, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ए बी सी। तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी सी। अब बी कॉम्प्लीमेंट ये आ गया, अब हम करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या है, बी डी और जी, उसके बाद इंटरसेक्शन की साइन दे देंगे, और बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर है ए बी और सी। तो इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो कॉमन एलिमेंट आता है यानी दोनों सेट में जो एलिमेंट होता है वो लिखते हैं हम। तो ये जो बी है ये दोनों सेट में मौजूद है तो हम बी लिखेंगे, और दूसरा जो दूसरा कोई एलिमेंट नहीं तो ऑब्वियस ये इसका आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 7 में है कि यूनिवर्सल सेट है और इससे यूनियन करना है एम्प्टी सेट को। तो लिखते हैं
यूनिवर्सल यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स क्या हैं, ए बी सी और डी ई एफ जी एच सॉरी जी जी तक हैं, और उसके बाद यूनियन की साइन दे देंगे और एम्प्टी सेट, इस तरह लिखा जाता है एम्प्टी सेट। अब इनकी यूनियन क्या होगी, यूनियन ये सेम ही जो यूनिवर्सल सेट है वो लिखेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी, क्योंकि एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट नहीं तो हम नहीं लिखेंगे। उसके बाद नंबर एट है इसका, नंबर एट में है कि यूनिवर्सल इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट। अब यूनिवर्सल को इंटरसेक्शन करना है एम्प्टी सेट से, तो ये ए बी और सी डी यूनिवर्सल का हम सेट लिख रहे हैं, डी ई एफ जी, और उसके बाद हम इंटरसेक्शन की साइन दे देंगे यहाँ पे और एम्प्टी सेट लिखेंगे। अब इंटरसेक्शन में क्या होता है कि दोनों सेट के जो दोनों सेट में जो एलिमेंट होते हैं कॉमन एलिमेंट होते हैं वो लिखते हैं। अब देखो दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट है वो है ही नहीं, क्योंकि ये एम्प्टी सेट है और इसमें एलिमेंट्स हैं, तो हम क्या लिखेंगे, इसका जो आंसर निकलेगा वो एम्प्टी सेट निकलेगा, क्योंकि दोनों सेट में ऐसे एलिमेंट नहीं जो कि दोनों सेट में मौजूद है। तो व्यूज़ ये इसका आंसर है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।